तो पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित पुरुषोत्तम दास अकबर के लिए पर डे का खाना फिक्स करते थे और पहनने का ड्रेस, तो वो एस्ट्रोलॉजर की थे। उसके ऊपर जो टेढ़ा मेढ़ा जो डिजाइन दिया ना, वो जैन डिज़ाइन है, जैन आर्किटेक्चर। पीछे वाला बिल्डिंग खजाना मंडल, डेली यूज के लिए खजाना स्टोर किया जाता था और राजा रानी उसे खर्च किया करते थे पर डे। और पहले बनाए हैं गौड़ा आर्किटेक्चर, उस समय अकबर अकबर की रानी उसके ऊपर बैठते थे हवा खाने के लिए, सीकरी का व्यू देखने के लिए। जो था भाई, हर सुबह उसके ऊपर जाके सूरज के लिए जल देती, सूर्य पूजा करती थी। और करवा चौथ का जो व्रत होता है, उसमें आपको चांद देखती, मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी, क्रिश्चियन रानी 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे होता है, उसको स्टार देखती थी, मल्टीपर्पज। और उस समय अकबर के पास 3 रानियों के अलावा 300 हरम्स की लेडीज थे, अनऑफिशियल रानी आपके तरह। और उनकी बहुत सारी लड़कियाँ होती थी, तो सामने वाला उधर बिल्डिंग है ना, वो गर्ल्स स्कूल, नाच गाना सिखाने के लिए, पढ़ाई के लिए। ऊपर मुस्लिम रानी रहती थी रुकैया बेगम। उस समय अकबर यहाँ एक गेम खेलते थे, चौपड़ कहा जाता है, जहाँ ये बच्चे खड़े हैं ना, एक सीट है इसकी, देखेंगे अभी, तो यहाँ बैठकर गेम खेलते थे 3 रानियों के साथ। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में लड़की ऐसे पोती थी, डांस करते ऐसे पोती, तो ये शाही गेम है। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, परदेश मूवी आपने देखा हो, शाहरुख खान नेमा चौधरी, उसमें लास्ट में एक गाना शूट किया गया था, अमरीश पुरी ने गाया था, भाई लंबा इंडिया वतन भाई इंडिया, वो इसी जगह खड़े होकर गाया, इसके आगे नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया प्यार, आगे दुख किया गया, उससे आगे दो दिल मिल रहे हैं छुपे छुपके, सेंटर पॉइंट। ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर का है, अगर चाहे तो मैन मैन अगले कुछ फोटो आप निकाल देंगे, बना फोटो, सिंगल फोटो मोबाइल में दे देंगे, मोबाइल में भी देंगे, बना के भी देंगे। समय अकबर के पास 9 एडवाइस नवरत्न, उनमें से एक उनके म्यूजिशियन थे, तो ये तानसेन के गान गाने के लिए। उस समय अकबर के एंटरटेनमेंट के लिए जब म्यूजिक फंक्शन जब होते थे, तानसेन वहाँ बैठते थे सेंटर में, अकबर भी बैठते थे अपने मंत्रियों के साथ, बाहर साइड वाले बी आई लोग 3 साइड से बैठते, और उनके हरम्स की लेडीज ना फिशल रानी इधर बैठती थी, और ऊपर जो छोटा बिंडा है वहाँ 3 रानी बैठती थी संग। उस समय गंदा पानी नहीं होता था, इसे रोज वाटर और परफ्यूम वाटर से फिल करते थे, ताकि बात ठीक हो, वर्ष पूरे कुंभ तालाब के नाम से जाते हैं। अभी देखेंगे अकबर का बेडरूम, समर बेडरूम। चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी ऊपर चढ़ने के लिए, कूलिंग का जो सिस्टम था वो आज की तरह वो एसी फैन कूलर वगैरह नहीं होते थे। नीचे फ्लोर में 6 इंच रोज वाटर और 5 इंच वाटर डालते थे, इससे पूरा ठंडा रहा। 2 दरवाजे इधर से मुस्लिम रानी और क्रिश्चियन रानी के आने के लिए, और हिंदू रानी इधर से आते थे, गेट नंबर दिया गया है। ये जोधोबाई पैलेस से कनेक्ट था, जोधोबाई के आने जाने के लिए। वहाँ खड़े होकर देख सकते हैं बेड का साइज, किंग साइज बेड, आपके बेड के साइज क्या है।
ये वेज किचन है जो दुबई के लिए, वो बैक में नॉन वेज किचन है, बंद किया। तो वेज खाना जो दवाई के चार्ज बनता था, उनके साथ और लड़कियाँ भी खाना बनाती थी। खाना जब टेस्टी होता था जो दवाई उन लड़कियों को गिफ्ट दिया करती थी। देखिए ईयरिंग सी डिजाइन बनी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तो लड़की यहाँ से डिजाइन पसंद करती थी और जो दवाई उनके लिए उसी तरह गोल्ड की झुमके बना दी जाए। पीछे देखें कृष्ण रानी के रहने के लिए दीवालों पर थोड़ा थोड़ा पेंटिंग दिखाई दे रही है, ये सारा गोल्डन पेंटिंग था। गोल्ड को अंग्रेज लोग लेकिन ब्रश ब्रश करते थे, यहाँ क्रिश्चियन क्वीन रहती थी। और हिंदू रानी सबसे बड़ा महल, क्योंकि जोधाबाई से एक बेटा पैदा हुआ, तो इस खुशी में सबसे बड़ा महल जोधाबाई के लिए बना अकबर ने, पूरा राजस्थान स्टाइल बनाया। इसके साइड में सीढ़ियाँ हैं, रास्ता पंच हो गया। सारे कमरे खाली, देखना चाहे ग्राउंड ले चाहे राउंड ले लीजिए, अंदर देख लीजिए, फोटो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट चलेंगे फोटो, ठीक है।